सिटी लाइव्स डायलॉग में मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आजकल देशभक्ति का माहौल चल रहा है, पूरे देश में पाकिस्तान के विरोध के अंदर स्वर उठ रहे हैं, तो इसी माहौल का, इसी जज्बे के लिए समर्पित करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं एडवोकेट जय शर्मा, जो पेशे से एडवोकेट हैं पर शौकिया गाते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। इन्होंने कई स्टेज शो बिरला ऑडिटोरियम में भी करे हैं। इनसे आज हम फरमाइश करते हैं कि इस देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाते हुए कुछ देशभक्ति से रिलेटेड नगमा सुनाएं। जय शर्मा जी। दोस्तों, पुलवामा के पहले और पुलवामा के बाद देशभक्ति अपने प्यारे वतन के लिए सभी देशवासियों के और सैनिकों के मन में कूट कूट कर भरी है। आज के तो नहीं कहना चाहिए, हर देशवासी के मन की बात इस गाने के माध्यम से, हर फौजी के मन की बात इस गाने के माध्यम से आज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तो भाइयों, ये आपने सुना एडवोकेट जय शर्मा से, ए मेरे प्यारे वतन, जो वीर रस से भरा हुआ पूरा गाना है। इससे और मुझे लगता है कि सारे देशवासियों में और सैनिकों में जोश भर गया है, एक और जज्बा पैदा हुआ है। लेकिन आज हम जय शर्मा जी को इसी पे नहीं रोकेंगे। हमारी गुजारिश है कि एक और गाना वो सुनाएं। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अभी पाकिस्तान में हैं, उनके लिए कोई ना कोई गाना उनको समर्पित करते हुए इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक और गाना ये सुनाएं। जय शर्मा जी। चाहूँगा कि हमारी आवाज़ अभिनंदन जी तक पहुँचे और जो देश के उनके परिवार के हर आदमी की तरफ से उनकी वापसी के लिए और उस हर फौजी के लिए जो सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात है, उसके घर से जो संदेशा है, वो संदेशा मैं अपनी आवाज़ में उन तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तो भाइयों, ये आपने सुना एडवोकेट जय शर्मा को, जो ये गाना समर्पित कर रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को। समस्त देशवासियों को ये आशा है कि आज शाम को ही अभिनंदन वर्तमान वापस अपने देश लौटें, अपने माटी में लौटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय शर्मा जी का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं
कि भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे और वो तुरंत कार्रवाई करते हुए अभिनंदन को वापस अपने देश।